हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में कॉर्न के बारे में बताऊंगा और उसकी कुछ बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो आप ये वीडियो मेरा पूरा देखें और पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो हाथों की जो उंगली होती हैं या हमारे हाथों की जो हथेली होती हैं वहाँ पर, या जो पैर होते हैं उसके नीचे, उंगली के नीचे जो है एक डेड टिश्यू जो है, एक स्किन का जो फोल्ड जिसको कहते हैं, वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जो बाहर से जो है ड्राई होता है, हार्ड होता है, लेकिन अंदर से वो सॉफ्ट होता है। और जिस तरह से कॉर्न भुट्टा जिसको हम कहते हैं, बाहर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, इसी की वजह से अंदर जो सॉफ्टनेस होती है उसकी वजह से उसमें दर्द भी होता है। कॉर्न को हिंदी में जनरली हम ठेंट भी कहते हैं, जो हमारे हाथों में या पैरों में हो जाती है। और अगर इस तरह का आपको किसी को भी इस तरह का कॉर्न हुआ है तो ये बहुत ही आसानी से जो होम्योपैथिक मेडिसिन से आप इसको ठीक कर सकते हैं। इसकी बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो मैं आपको कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगा। अगर आपको कॉर्न है हाथ में, या जनरली ये हाथ या पैरों में होता है, अगर आपके हाथ में, उंगलियों में या पैर में नीचे कॉर्न की प्रॉब्लम है, तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लें तो आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक होगी। इसमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एंटिम क्रूड। एंटिम क्रूड होम्योपैथिक मेडिसिन आपको 200 पोटेंसी में लेना है और इसकी दो दो बूंदें सुबह शाम लेनी है। दो बूंदें सुबह डायरेक्टली टंग पे डालें, दो बूंदें शाम को। तो डेली दिन में दो बार एंटिम क्रूड जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसको आप यूज़ करें। इसके बाद दूसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है थूजा। थूजा को आपको 200 पोटेंसी में लेना है और इसको दिन में एक बार सुबह खाली पेट पर दो बूंदें इसकी टंग के ऊपर डालनी है। थूजा 200 ही पोटेंसी में इसको आपको लेना है और दो बूंदें डायरेक्टली अपनी टंग पे सुबह को आपने खाली पेट पे। और तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है हाइड्रेस्टिस कैन। हाइड्रेस्टिस कैन को आपको 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी दो दो बूंदें सुबह, दोपहर, शाम, दिन में तीन बार यूज़ करना है। तो मैंने तीन होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताई जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है कॉर्न में। एक है एंटिम क्रूड, दूसरी है थूजा, और जो थर्ड वन है वो हाइड्रेस्टिस कैन। एंटीम क्रूड को और थूजा को आपको 200 पोटेंसी में लेना है और हाइड्रेस्टिस कैन को आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसके बाद एक एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी आप जो एक होम्योपैथिक मदर टिंचर को यूज़ कर सकते हैं, ये मदर टिंचर है थूजा। थूजा जो आपको पहले इंटरनल यूज़ के लिए 200 पोटेंसी में लेना है और बाहर लगाने के लिए, एक्सटर्नल यूज़ के लिए इसका मदर टिंचर लें, और जहाँ पर आपको कॉर्न की प्रॉब्लम है वहाँ पर इसको कॉटन में भिगो के लगाएं, या डायरेक्टली जो आपका जो बोतल है उसका जो ड्रॉपर है वहाँ से टपका के भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आपको कॉर्न की प्रॉब्लम है तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, इनको आप यूज़ करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम 100% क्योर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू।